टू माय यूट्यूब चैनल, तो कैसे आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज का मॉर्निंग रिचुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज मैंने सोचा कि क्यों ना पूरे मॉर्निंग रिचुअल को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि मैनी ऑफ यू आस्किंग अबाउट कि आप डायरेक्ट स्टडी टेबल से ही स्टार्ट करते हो। सो मैंने सोचा कि आज क्यों ना थोड़ा सा इस ब्लॉग में थोड़ा और एडिशनल किया जाए। सो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपना सारा काम कर लिया थोड़ा बहुत, एंड देन उसके बाद उठकर मैंने सबसे पहले एक सेशन लगाया था एंड देन उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। सो सबसे पहले मैंने थोड़ी मम्मा की हेल्प करवाई, जिसमें मैंने पोछा लगाया। झाड़ू ऑलरेडी हमारे यहाँ पर करीबन 6 बजे तक हो जाता है एंड कभी कभार मम्मा लेट हो जाती है, सो फिर मैं हेल्प करवा देती हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने लगाया पोछा एंड देन मटकी में पानी छाना। एंड मटकी में पानी मैंने इसलिए किया है क्योंकि रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि प्लास्टिक में पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो मैंने अभी स्टार्ट किया है मटकी में पानी छाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये मैंने करा एंड देन उसके बाद मैंने अपना लगाया फर्स्ट सेशन, जो कि आई थिंक ये तो हमारा दूसरा सेशन होना चाहिए क्योंकि मैंने फर्स्ट सेशन रिकॉर्ड नहीं किया था एंड ये मेरा सेकंड सेशन है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी हमने पहले मैंने पढ़ लिया है इंग्लिश और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ कल के नोट्स की, जो कि मैंने जीके के सेशन में लगाए थे। एंड जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे वो मैंने एक सेपरेट कॉपी में लिख लिए थे एंड देन उसके बाद अब मैं अपना काम कर रही हूँ इसको रिवाइज करने का, जो कि बहुत ही फटाफट से मैंने कर लिया क्योंकि मैंने नोट्स जो थे वो काफ़ी कंसाइज वे में बनाए थे ताकि फटाफट से रिविज़न हो जाए उसका। सो अभी मैं इसलिए इसका रिविज़न कर रही हूँ एंड देन आगे आज के ब्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम बनाकर खाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून आगे तक। सो अभी मुझसे तो वेट हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसमें कट कुटा कर फटाफट से पूरी सेशन लगवा लिया। सो अभी हम बनाएंगे हमारी दही पूरी, जो कि होने वाली है बहुत ही एकदम टेस्टी। सो ये पूरियाँ जो है ये मम्मा ने बना दी थी एंड इसमें अजवाइन डालकर बनती है। उसके बाद मैंने ऊपर डाला इसमें आलू एंड छोला मसाला एंड देन इसमें डाली मैंने पुदीने और हरे धनिए की चटनी एंड इसको अच्छे से सब पे लगाना है। उसके बाद हमने डाली एक इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी एंड देन इसके ऊपर डालेंगे हम अनियंस एंड उसके बाद हम डालेंगे दही, ये है मीठा दही एंड इसके साथ है जीरा पाउडर एंड देन थोड़ी सी और खट्टी मीठी चटनी डालेंगे एंड इसको एंजॉय करेंगे एंड ऊपर से थोड़ा सा अगर आप चाहें तो चाट मसाला या फिर ग्रीन मिर्ची रेड चिली पाउडर्स में डाल सकते हैं। सो इसको खाया एंड हमारी पूरी फैमिली ने इसको एंजॉय किया। सिर्फ ये एक प्लेट थी एंड हमने बहुत सारी ऐसी प्लेट्स बनाकर खाई है एंड इट्स डिलीशियस एंड फैबुलस। सो ये खाने के बाद वी हैव टू स्टडी राइट नाउ। सो फिर से मैंने एक और सेशन लगा लिया क्योंकि स्टडी करना इज़ लाइक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड खाना पीना होने के बाद अब हमें पढ़ने होगा क्योंकि ये हमारी एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। सो लेट्स हैव अनदर सेशन एंड इस सेशन में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे आज तो। एंड फिर से मैं जीके ही लेकर बैठ चुकी हूँ क्योंकि मेरे कल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है रॉन्ग हो चुके थे। सो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर जीके सेशन। सो जीके मैंने बहुत ही आज पढ़ा है एंड उसके नोट्स भी बहुत बनाए मैंने एंड कंसाइज वे में बनाए ताकि फिर से रिविज़न करने में बहुत ही आसानी रहे एंड डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। एंड उसी मटकी में से मैंने पानी ले लिया है जग भर कर एंड क्योंकि मुझसे मटकी तक भी जाने में बहुत आलस आता है, इसलिए मैंने सोचा कि ठंडा पानी मैंने सिर्फ एक एक गिलास ही डाला है इसके अंदर, आई थिंक 2 गिलास डाला था। सो क्योंकि फिर से ये गर्म हो जाता है सो इसलिए, और आप भी हाइड्रेटेड रहें क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी इज़ लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पानी हाइड्रेट रखता है हमें एंड गर्मियों में प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में से इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। सो इसी तरह आज के सेशन में मैंने सिर्फ जीके कवर किया है एंड शाम को मैंने एक सेशन और लगाया था मैथ्स का क्विक 20 क्वेश्चन सीरीज़, जो कि बहुत ही जल्दी कर ली थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड इसी तरह से आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है एंड सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye everyone.